फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 10 बी का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर में दिया गया था, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये जो ए बी सी डी ड्रॉ किया गया, ये एक स्क्वायर है। अ लाइन सेगमेंट सी एक्स, एक लाइन सेगमेंट है सी एक्स, ठीक है ना। कट ए बी एट एक्स, ए बी को कहां पर कट कर रहा है, एक्स पर। एंड द डायगोनल बी डी एट ओ, और जो डायगोनल बी डी ड्रॉ किया गया उसको ओ पर कट कर रहा है, ठीक है। सच दैट एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, और कुछ इस प्रकार से कट कर रहा है कि यहां पर जो एंगल सी ओ डी बन रहा है वो 80 डिग्री है। देन एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और यहां पर ये जो एंगल है ओ एक्स ए, ये एक्स डिग्री है, तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, तो अगर ये डायगोनल है, BD इज अ डायगोनल, ये तो गिवन है। तो अगर डायगोनल है तो स्क्वायर में प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल को। तो जाहिर सी बात है, ये टोटल अगर 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 45, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये हो जाएगा 80, ठीक है। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा बड़ा सिंपल तरीके से। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच एंगल। तो यहां पर 90 डिग्री अगर बन रहा था, टोटल 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये डायगोनल है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, 90 का हाफ, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से 80, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल बी ओ एक्स, एंगल, या फिर हम ये कह दें, हाँ डायरेक्ट मैं लिख देता हूं कि ओ एक्स ए इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ओ एक्स ए इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। या फिर आप स्टेटमेंट और थोड़ा लंबा ले जा सकते थे कि इन ट्राइंगल बी ओ एक्स, साइड बी सी इज एक्सटेंड टू ए, फॉर्मिंग एन एक्सटीरियर एंगल ओ एक्स ए, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, मतलब ओ एक्स ए इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अपोजिट इंटीरियर, दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, मतलब ये किसके इक्वल होगा, बी ओ एक्स प्लस एंगल एक्स बी ओ, इसके इक्वल होगा, ठीक है। हम ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे आप इतना लिख दीजिएगा। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहां से ओ एक्स ए इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे, बी ओ एक्स 80 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इट बिकम 125 डिग्री। तो ये x का वैल्यू हमारा 125 डिग्री होगा, x इज इक्वल टू 125 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं। और अगर देखिए, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर के व्हाट्सएप पे आप हमको सेंड कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, हमको समझने में दिक्कत आ रहा है। और आपको ये भी अगर लगे कि हमें कोई प्रॉब्लम है, इट मीन्स हमको कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, तो आप ये भी सजेस्ट करें कमेंट के माध्यम से कि ये चीज थोड़ा और इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में दिया गया है कि इन अ रॉम्बस ए बी सी डी, सो दैट द डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो देखिए, रॉम्बस में कितने डायगोनल होंगे, दो डायगोनल होंगे, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल है वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर हम फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए बी सी एंड दिस वन इज डी, ठीक है। तो ये एक रॉम्बस है, ठीक है, और रॉम्बस इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स यहाँ पे इक्वल हैं, और एक ये डायगोनल और ये दूसरा एक ये डायगोनल, ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि ये जो ए सी डायगोनल है वो एंगल ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, और बी डी जो है वो एंगल बी एंड एंगल डी, ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर बाइसेक्ट हमें प्रूफ करना है, तो अगर हम ये शो कर दें कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, या फिर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, तो वही हो जाएगा ना
बाइसेक्ट कर रहा है, तो बड़ा सिंपल तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दो ट्राइंगल यहां ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी, ए बी डी और सी बी डी में हम देखते हैं, ठीक है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने का प्रयास करेंगे। जब भी हमें इक्वल अगर प्रूफ करना है, जैसे बाइसेक्ट मतलब कि दो एंगल जो फॉर्म कर रहा है उसको इक्वल शो कर देना है, तो इक्वल जब भी हमें दिया रहे प्रूफ करने के लिए, तो आप सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी को दिमाग में लाएंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी से अगर वो इक्वल नहीं प्रूफ हो रहा, तब फिर कोई दूसरा थिंकिंग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें पहले कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करके देख लेते हैं, और कॉन्ग्रुएंसी से होगा भी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये दोनों अगर ट्राइंगल को देखें तो ए बी, ए बी इज इक्वल टू सी बी, और दूसरा ए डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। ये साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। तो ये इक्वल होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। और ये अगर इक्वल होता है तो तीसरा हम क्या देख पा रहे हैं कि बी डी, तो यहां पर बी डी दोनों में कॉमन है, बी डी इज इक्वल टू बी डी इज कॉमन इन बोथ, ठीक है। ये दोनों में अगर कॉमन है तो जाहिर सी बात है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए बी डी इज इक्वल टू, सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी। कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन कौन सा अप्लाई हुआ, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन अप्लाई हुआ है, ठीक है। और अगर अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब कि ये दो ट्राइंगल, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, तो जाहिर सी बात है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, ये दोनों सी पी सी टी से आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो यहां से हम कह सकते हैं कि बी डी डायगोनल, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। सिमिलरली यहां से इसी प्रकार से, ठीक है, सिमिलरली ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद।